सो वेलकम बैक टू माई चैनल मिस जूही। तो आज हम फिर एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ वापस है। तो ये हॉरर स्टोरी का पार्ट वन आएगा और इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो फिर पार्ट टू भी इसका आएगा। तो ये हॉरर स्टोरी बताने से पहले जिसका दिल थुकुर धुकुर करता है वो वीडियो ना देखे, ठीक है। और स्टोरी को पहले स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो आप सब्सक्राइब पहले कर लो और इधर लाइक भी ज़रूर कर लो, ठीक है। किसी को स्टोरी शेयर करना तो मैं अपना इंस्टा आईडी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पे अपना स्टोरी शेयर करना और फिर मैं अपने चैनल पे स्टोरी अपलोड करूँगी। तो आज का हॉरर वीडियो स्टार्ट करते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को शेयर किया। को राधे राधे, आप लोग कैसे हो आप लोग कमेंट करके बताना। और स्टोरी अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को शेयर करा। स्टोरी एक हॉन्टेड हाउस का है कि एक ना लड़की रहती है जो अपने बिहार की स्टोरी है जिसने मेरे को शेयर करा। वहाँ की लड़की, उसने कहा कि दी आप ये वीडियो जरूर शेयर करो और बताओ कि ऐसा भी कुछ होता है। तो वहाँ पे ना एक घर में वो एक बिहार के कोई गांव में एक लड़की रहने जाती है रेंट के घर पे। तो बहुत टाइम से ना वो रेंट का घर ढूंढ रही थी। उसको बहुत सस्ते में ना हर जगह उसको घर मिल रहा था बट ना कुछ ज़्यादा ही उसको महंगा मिल रहा था। वो सस्ते में 2000-3000 में उसको एक किराया मिला। और वो रात को पढ़ती वढ़ती थी तो उसको अचानक से बहुत पायल की आवाज़ छन छन ऐसा कुछ डेंजरस आवाज़ सुनने मिलता था। फिर कभी रात में वो बालकोनी में निकलती थी तो उसको किसी का पैर का चलने का वो फील होता था कि हाँ कोई है। तो ये सब चीज़ उस लड़की का स्टार्टिंग के 1 वीक के बाद ही स्टार्ट हो गया था कुछ ऐसा फील करना। और वो घर खाली भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो फर्स्ट अपना पेमेंट एडवांस दे चुकी थी। सो कुछ नेगेटिव सा फील होना स्टार्ट। धीरे धीरे उसको ना इस तरह की आवाज़ें बहुत आने लगी और घर में से ऑटोमेटिक रोने की आवाज़ें छन छन पायल की आवाज़ें उसको आती थी तो अच्छा फील नहीं होता था उसको। अचानक से एक दिन क्या हुआ ना, उसके कोई अगल बगल के लोगों ने उसको बताया कि इस घर में एक और सुहागन औरत की डेथ हो गई थी, मतलब उसने सुसाइड कर लिया था इस घर में। क्योंकि कहा जाता है कि वो जो लड़की थी जिसकी शादी हुई थी वो उसके जो ससुराल वाले थे वो दहेज का डिमांड करते थे, उसकी वजह से वो लड़की सुसाइड कर ली। और फिर उस लड़के ऐसी भी ऑटोमेटिक नेगेटिव चीज़ कुछ हो रहे थे कि वो नेगेटिविटी पायल का आवाज़ ये सारी आवाज़ें उसको आती थी। और फिर स्टोरी उसको पता चला कि कोई एक औरत यहाँ पर डेथ हो चुका है तो वो बहुत डर जाता। और ये चीज़ें ना धीरे धीरे करते करते उसके साथ बढ़ते जा रहा था। ये सब चीज़ें मतलब वो थोड़ा नहीं कंटिन्यू हो रहा था, वो डरने लग गया। उसके फ्रेंड से इसने सारी बातें शेयर करी कि ऐसा क्यों हो रहा है और वहाँ पर कुछ रहते ही नहीं थे, कोई किससे पूछ सके ये सारी बातें। तो धीरे धीरे करके ना सब चीज़ ज़्यादा उसके साथ होने लग गई। और एक दिन तो हद हो गई कि जैसे वो अपने रूम में जा रही थी, उसको लगा वो ना उसको लगा कि उसको पैर पकड़ के टाँग के गिरा दिया उसको। और वो गिर बहुत कस के गिरी, उसको ऐसे समझ नहीं कि कैसे वो गिर गई क्योंकि उसको फील हुआ कि कोई उसके पैर के पकड़ के सब टाँग के सो गया। तो फिर कुछ बहुत डर गई थी वो, सोची कि मम्मी घर खाली कर लो ना। वो घर खाली करने का जिस दिन वो सोचती थी वो दिन उसके साथ ना कुछ गलत हो गया। मतलब वो गिरे जाती थी, मतलब कुछ नेगेटिव हो जाएगी, उसको हाथ में कट लग जाता था सब्जी बनाने, कुछ भी सब नेगेटिव जरूर होता था। तो धीरे धीरे वो चीज़ उसके आगे ही बढ़ते चले गए और उसके आगे आप बीयर लेकर वो रख गया हो। अब वो आपको स्टोरी के लिए पार्ट टू का वेट करना है क्योंकि ये पार्ट वन बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं पार्ट टू में लाऊँगी। तो इसमें पूरी आप सोच भी नहीं सकते पार्ट टू में इस लड़की के साथ क्या क्या हुआ। तो वेट करो फॉर पार्ट टू और लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करना जरूर।